रोहित शर्मा कौन है ये तो आप जानते हो, लेकिन रोहित शर्मा की रियल लाइफ स्टाइल के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते। आखिर रोहित शर्मा अपनी लग्जरी लाइफ को कैसे जीते हैं, रोहित शर्मा के पास कितना पैसा होगा और इनका हाउस कहां पर है, तो ये सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। रोहित शर्मा की लाइफ स्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में आज हम बात करेंगे, जैसे इनका हाउस वाइफ, एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, करियर, कार कलेक्शन एंड रोहित शर्मा की नेटवर्क पर मंथ इनकम कितनी है, हम वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रोहित शर्मा प्रोफेशन से एक इंडियन क्रिकेटर है। रोहित शर्मा का जन्म 30 अप्रैल 1987 को बांसौर महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था और इनकी एज एज ऑफ 2023 के अकॉर्डिंग 37 ईयर्स के हो चुके हैं। उनके पिता गुरुनाथ शर्मा ट्रांसफर फॉर्म में कैरेक्टर थे और उनकी माँ का नाम पूर्णिमा शर्मा है। विशाल शर्मा उनका एक छोटा भाई है। रोहित शर्मा का बचपन बहुत कठिन था। रोहित का बचपन बोरेवली में दादा दादी के साथ बीता। पिता की कमाई के कारण वो सिर्फ 2 दिन अपने माता पिता के घर नागपुर गए। रोहित शर्मा को बचपन से ही क्रिकेट खेलना पसंद था। उनके चाचा ने उन्हें क्रिकेट क्लब में दाखिला करवाया था। रोहित शर्मा के बेहतरीन शॉट देख वहाँ के कोच दिनेश लौद ने उन्हें स्कॉलरशिप दी। वो स्कूल क्रिकेट में भी खेलते थे, जहां एक मैच में उन्होंने सेंचुरी भी लगाई। 18 साल की उम्र में उन्होंने देवधर ट्रॉफी में भी खेला था। उनकी पर्सनल फैमिली की तरफ देखे तो रोहित शर्मा ने 2015 में रितिका सजदे से शादी रचाई। शादी के 3 साल बाद 2018 में उनकी एक बेटी समायरा हुई। इनकी एजुकेशन की बात करें तो रोहित शर्मा ने ओवर लेडी ब्लैंकानी हाई स्कूल मुंबई से अपनी प्राइमरी एजुकेशन हासिल की। वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार नहीं थे, उनका मन खेल कूद में ज्यादा था। उन्होंने मुंबई के स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल और जूनियर कॉलेज से 12वीं तक की पढ़ाई की। उन्होंने क्रिकेट को पूरा समय देने के लिए ज्यादा पढ़ाई नहीं की। अब देख लेते हैं रोहित शर्मा के करियर की तरफ। रोहित शर्मा ने अपनी क्रिकेट करियर की शुरुआत बतौर ऑफ स्पिनर की थी, लेकिन उनके कोच दिनेश लौद ने उन्हें बल्लेबाजी पर ज्यादा फोकस करने की सलाह दी। उसके बाद रोहित ने अपनी बल्लेबाजी पर बहुत मेहनत की और एक मैच में पहली बार ओपनिंग करते हुए अपना पहला सेंचुरी मारा। स्कूल और क्रिकेट एकेडमी में अच्छा डिस्प्ले करने के बाद रोहित को घरेलू क्रिकेट खेलने का मौका मिला। मार्च 2005 में रोहित शर्मा ने सेंट्रल जॉन के खिलाफ देवधर ट्रॉफी में ग्वालियर में वेस्ट जॉन की ओर से खेलते हुए अपने घरेलू क्रिकेट करियर की शुरुआत की और फिर ऐसे ही 2014 में रोहित के लगातार अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए मुंबई रणजी टीम का कप्तान बना दिया गया और रोहित शर्मा आज इस मुकाम पर है जहां उन्हें कोई भी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं रोहित शर्मा की नेटवर्थ कार कलेक्शन इनकम की तरफ। तो इनकी नेटवर्थ 2024 के अकॉर्डिंग 214 करोड़ रुपए हो चुकी है और रोहित शर्मा हर एक मैच का 15 लाख रुपए लेते हैं। रोहित शर्मा के कार कलेक्शन में देखे तो इनके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर, BMW X3, SUV मर्सिडीज GLS 400D जैसी कहीं एक्सपेंसिव कार्स है। तो आई होप के दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आप भी रोहित शर्मा के फैंस हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। बाय।